फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। सो चलो जल्दी से रेडी होते हैं और देवी पे जाते हैं दर्शन के लिए। सो मैंने ये रेड कलर का ड्रेस पहन लिया और इसके ऊपर मैंने ये दुपट्टा ले लिया और मैं जल्दी से रेडी हो गई क्योंकि मुझे भैया के कॉल आ रहे थे। और मैंने कुछ मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया, सिर्फ लिपस्टिक बिंदी और झुमके पहनकर चली गई। और फिर मैं भैया के घर पे जाके वेट करने लगी क्योंकि उनकी तैयारी हुई नहीं थी, इसलिए मैं बैठ के थोड़ी देर मैंने टाइम पास किया। और फिर हम सब चले गए देवी के लिए जाने के लिए। तो मैं रहती हूँ माहौरगढ़, आपको तो पता ही होगा 3.5 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है महाराष्ट्र के। और हमारे माहौर की फेमस माता रेणुका के दर्शन के लिए हम नवरात्रि में तो ऐसे भी डेली जाते हैं और नवरात्रि में तो कंपलसरी डेली ही जाते हैं। और नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इसलिए किसी की भी गाड़ी कार अलाउड नहीं होती है, यहाँ बसेस होते हैं और जिनके पास पासेस हो उनकी ही टू व्हीलर जा पाती है। तो मैं भैया और भाभी हम चले गए स्कूटी पे, तो हर तरफ भीड़ थी और सब मस्त अच्छे से तैयार होके आ रहे थे, सब देवी पे जा रहे थे और कोई ना कोई मुझे रास्ते में जान पहचान का मिल ही रहा था। तो हम जा रहे हैं देवी पे। तो माहौर को है ना माहौरगढ़ बोला जाता है क्योंकि माहौर एक गढ़ पे स्थित है और माता का मंदिर भी एक पहाड़ के ऊपर है। आप वीडियो में देख ही सकते हो, वो मंदिर के फोकस दिखाई दे रहे थे, फोकस लाइट। तो रास्ते से ये सब बैनर लगे थे नवरात्रि के। और फिर हम सब चले गए, मैं भैया भाभी देवी पे। और देवी का रास्ता थोड़ा मतलब दूरी है बट अच्छा है, शाम के समय बहुत अच्छा लगता है वहाँ। थोड़ा अंधेरा भी था और ये बसेस भी जा रही थी बहुत सारी, कंटिन्यूसली जाना आना तो शुरू ही था। और ये देखो ये फोकस कितने अच्छे हैं, मतलब मुझे मेरे घर पे भी ये दिखते थे, ये इतने ज़्यादा हाई पावर के हैं। और फिर हम सब चले गए देवी पे। और अभी हम आ चुके हैं ऊपर, ये है ऊपर मंदिर। अभी हम यहाँ नीचे गाड़ी पार्क करके ऊपर जाएंगे मंदिर में। तो ये देखो गाड़ियाँ तो बहुत कम है क्योंकि इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए कोई भी कार वगैरह अलाउड नहीं होती है नवरात्रि में। नवरात्रि में सब बाहर गांव के गार्ड्स और पुलिस रहते हैं, उस वजह से वो सबको ही फॉलो करना पड़ता है रूल्स। तो यहाँ ये सब नीचे दुकान है और माहौर में रोप वे का काम चल रहा है इसलिए वो साइड से थोड़ा काम चल रहा था, इसलिए एक रास्ता बंद था इधर वाला। और ये अभी ये न्यू शेड डाला है, पहले तो नहीं था। फिर हमने ऊपर गए और नवरात्रि में तो फर्स्ट सीढ़ी से ऊपर तक बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, शाम को ज़्यादा नहीं होती है बट अभी बहुत थी, इसलिए हम पीछे वाले रास्ते से मंदिर में गए क्योंकि बहुत टाइम लगता फिर दर्शन के लिए और हम पहले ही लेट आए थे। तो ये देखो पूरा मंदिर मस्त तो फूलों से सजा हुआ था और बहुत सारे लोग आए हुए थे। और हर साल की तरह इस साल भी डांस और सिंगिंग का ये होता है प्रोग्राम। फिर मैंने सभी मंदिर के दर्शन किए, रेणुका माता का किया और बाकी सब भी किए। फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स मिल गए और ये है हमारी प्यारी सी निधि। फिर मैंने तुलजा माता का दर्शन किया और ये रिधिका भाई कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है ना वीडियो में, पोज दे रहा है। और ये हमारी प्यारी सी गोलू बोलू निधि भी। और फिर हमें वेदिका भी मिल गई। तो हम सब ने डिसाइड करके ही आए थे कि एक ही टाइम पे सब आना है, मतलब नवरात्रि में तो मुझे मेरे क्लासमेट मिले ही और मुझे मेरे बाकी फ्रेंड्स और बाकी बहुत सारे जान पहचान के लोग भी मिले। और ये है मंदिर जो पूरा फूलों से सजा हुआ था, बाहर से भी अंदर से भी, और इतना अच्छा लग रहा था ना शाम के समय, अच्छे मस्त गाने चल रहे थे मतलब माता के। और फिर दिन में डांस भी होता है, कथक वगैरह मतलब ट्रेडिशनल डांस। तो ये और फिर दर्शन करके फ्रेंड्स से सबसे मिलके
और वो थोड़े से भजन सुन के हम नीचे आ गए। और ये देखो कितनी अच्छी, ये है हमारा म्याहूर का सीन, कितना अच्छा लग रहा है। फिर हम सब नीचे उतर गए भैया के साथ, उनके फ्रेंड्स और उनकी वाइफ भी आई थी, तो हम सभी एक साथ आए और एक साथ ही जा रहे हैं अभी घर पे। और ये क्यूट सी मिया कुछ तुम्हें मांग रही थी, उसे कुछ तुम्हें खिलौने चाहिए थे, बट वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, क्या लू, वो कोई भी एक डिसाइड नहीं कर रही थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं लिया। और फिर हम सब घर पे चले गए। Yeah, I'm going to put it on the list.